बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज का वीलॉग है एक इंतहाई दर्दनाक अलमनाक वाकया के मुतालिक। नाज़रीन, पंजाबी का शेर है कि भाई भाइयों के दुखी होंदे ते भाई भाइयों दियां बाहवां ते बाप सिरां दा ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। भाई भाई का बाजू होता है, उसकी ताकत होता है, लेकिन हमने माजी में ये देखा के जन जर जमीन की खातर भाई ने भाई को मारा, इकतदार की खातर मारा। आज का वाकया जो है इसमें एक ही वाकये में आपको जन जर जमीन, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक ऐसा वाकया रूनमा हो जाए जिसमें ये तीनों अंसर, जो लालच के अंसर हैं, जो दरारें डालते हैं रिश्तों में, वो शामिल हों। आज के वाकये में ये तीनों अंसर शामिल हैं, वो कैसे हैं, ये सारा वाकया क्या है, अभी हम थोड़ी देर में इसका खुलासा करने वाले हैं। नाज़रीन, आज की कहानी घूमती है एक बहन भाई के गिर्द। एक ख़ानदान है जिसका ताल्लुक गुजरांवाला के इलाका दुल्ले से है। तीन बहन भाई हैं, दो भाई हैं और एक बहन है। एक बहन अपनी पसंद की दूसरी शादी करना चाहती है और उसका भाई उसको नाजायज़ रिश्ता मेल मिलाप से मना करता है, तो वो बहन अपने उस दोस्त के ज़रिए अपने सगे भाई पर कातलाना हमला करवाता है, जिसकी तफसील पुलिस की तरफ से हमारे पास ये आई है कि ये खातून अपने भाई को लेकर अपनी दोस्त की तरफ जाती है और बहाना ये करती है कि उसने अपनी दोस्त के घर से एक सूट लेना है और अपने भाई को अपनी दोस्त के घर के बाहर खड़ा करके जूं ही अंदर जाती है तो प्लान के मुताबिक इसका जो अब मुतवक्के खामंद है और फिलहाल उसका दोस्त है जिससे वो शादी करना चाहती है, जिसका नाम इकराम है, और ये खातून जो अपने भाई को कत्ल करवाती है और भाई के कत्ल में ना सिर्फ खुद शामिल होती है और अपने दूसरे भाई को भी शामिल करवा लेती है। इस खातून का नाम असमा है। इसके दोस्त का और मुतवक्के खामंद जो अब तो जेल में जाएगा, उसका नाम इकराम है, उसको उसके ज़रिए एक शूटर हायर करती है। जो ही ये अपना सूट लेने बहाने अपनी दोस्त के घर में जाती है तो बाहर वो शूटर प्लान के मुताबिक इसके भाई के ऊपर हमला करके इसको चार गोलियां मारता है। उसके बाद क्या होता है हम आपको बताएंगे। एक बशारत अली नौजवान था जिसको फायर लगा, 324 का पर्चा हो गया उसका। जब 324 का पर्चा हुआ, नामालूम शूटर्स ने उसको फायर किया, तो उसके बाद स्टोरी इस तरह चलती है कि वो हॉस्पिटल चला गया लड़का। हॉस्पिटल जब चला गया लड़का तो मीनवाइल उसकी जो तबीयत है वो बेहतर होना शुरू हो गई। वहाँ पे जब उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई तो एक दिन अचानक बिगड़ गई और वो उसकी डेथ हो गई। हमें समझ नहीं आई कि ये क्या मामला हुआ। बहरहाल हमने अल्लाह के फजल से और ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ये फ़र्क है हमारा, SHO DSP इन लोगों ने मेहनत की, SSP साहब को सुपरवाइज़ कर रहे थे, तो हमने शूटर्स को पकड़ लिया जिन्होंने मारा था। एक इकराम हुसैन और एक तनवीर अहमद है, हफ्जाबाद का शूटर। जब उनको इंटेरोगेट किया तो पता चला जो इकराम है वो ये जो मरने वाला है इसकी सिस्टर के साथ उसके ताल्लुकात थे, वो आशना था उसका। और जो दूसरा तनवीर अहमद था जिसने फायर किया पहले, वो हाफ़ज़ाबाद का इसका दोस्त था। ये कसाईयों का काम करता है, वो यहाँ पे पहले काम करता था, फिर दोस्ती बन गई और इस्लामाबाद से इसको पकड़ के लाए। जब मज़ीद तफ्तीश की तो इन्होंने ये बताया कि जी जब उसकी तबीयत दुरुस्त हुई है तो उसके बाद फिर बहन ने अपना छोटा भाई जो मुदस्सर है, जो मदरसे में पढ़ता है, उसको कायल किया कि इसको नीले थोथे का यानी जहर का टीका लगा दें। नाज़रीन, प्लान के मुताबिक इसका दोस्त इकराम हाफ़ज़ाबाद के एक शूटर को हायर करता है और जिसको सिर्फ 10,000 रुपया दिया जाता है। वो 10,000 की खातिर
एक इंसान की जान लेने के लिए हाफसाबाद से गुजरावाला के इलाका धुल्ले में उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो आसमा नामी लड़की अपने भाई को लेकर अपनी एक मुबैना दोस्त के घर के बाहर खड़ा कर देती है। तो वो शूटर आकर उसको 4 फायर करता है जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी होकर गिर जाता है और उसकी हालत ये हो जाती है कि वो उस वक्त ये भी नहीं बता सकता कि उस पर हमला करने वाला कौन है। ताहम उस बंदे को, उस ज़ख्मी को, उस शख्स को जो उस वक्त ज़ख्मी हुआ और बाद में मारा गया, उसको हस्पताल में ले जाया जाता है जहां पर 15 दिन की तीमारदारी के बाद उसकी हालत संभल जाती है और वो हस्पताल के अंदर ही चलना फिरना शुरू कर देता है। फिर अचानक एक रात उसकी मौत हो जाती है। ये सारा कैसे हुआ, इसका खुलासा भी अभी बाकी है। जो हस्पताल में पड़ा हुआ मरीज है उसका नाम बशारत है। वो जब ठीक हो जाता है तो उस रात उसकी वही बहन आसमा जो हस्पताल में उसका छोटा भाई जो एक मस्जिद का तालिब इल्म है उसकी तीमारदारी पर वहाँ पर मुकर्रर है, उसको आकर बताती है, देख मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ और इसकी रुकावट ये है, मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊँगी, अगर तुम बड़े भाई को मार दो तो ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। इस वाक़े में जन भी है, सर भी है, ज़मीन भी है और वो बच्चा, वो तालिब इल्म जो मस्जिद का तालिब इल्म है वो अपने इंकशाफात में क्या बताता है अभी हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। वो उसकी हस्पताल में जो पहले से उसको ड्रिप लगी है जिसमें मुख्तलिफ कलर के उसकी ताकत के, उसकी मेंटेन करने के जो इंजेक्शन लगे हैं उसमें नीले थोते का टीका लगाता है और उसी रात बशारत हस्पताल में तड़प तड़प कर मर जाता है। हालांकि बशारत जब हस्पताल में ज़ख्मी हालत में मौजूद होता है और इसकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही होती, कोई कातिल सामने नहीं आ रहा होता, जिसकी उसकी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए पुलिस ने वहां पर एक अपना कांस्टेबल 18 दिन से, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकया पेश आता है इसी साल 2 माह पहले 12 अक्टूबर को और 18 दिन तक वो हस्पताल में रहने के बाद ठीक होता है। तो ये भाई उसकी हस्पताल में पहले से जारी कंटिन्यू जो ड्रिप है उसके अंदर नीला थोथा डालकर अपने भाई को कत्ल कर देता है इस लालच में कि ये कत्ल, ये खून नाहक दब जाएगा। ज़रा इस जालिम का मौक़िफ़ तो सुनिए कि ये क्या कह रहा है। सारी बात ये थी कि हमने उन्होंने मुझे, मैं जामिया का तालिबे इल्म और मुझे इन्होंने गाइड किया कि इन्होंने फरमाया कि मेरा उसके साथ तल्लुक है तो मेरा रिश्ता नहीं होने देता, तो इसलिए आप ना ये काम करो, टीका लगाओ उस पर ड्रिप पे। तो मैंने टीका लगवाया। सर बात यह है कि मैं रेडी ना, मैं घर नहीं होता, मैं जामिया में होता हूँ। तो जैसे मैं फिर जामिया से वापस आया तो मुझे इन्होंने बताया कि आपने ऐसा से करना है, तो मेरे आगे उन्होंने फरमाया कि तेरी बड़ी मेहरबानी, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ऐसे करना है। तो मैं इसलिए ना उनके साथ ट्रिप के अंदर टीका लगा दिया। वो सारे कलाम साहब हैं हमारे, ये साथ हैं मुलजम भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे ला कर दिया नीला थोता, मैंने ट्रिप लगाया। वह तकरीबन 11-12 घंटे बाद वो उनकी डेथ हो गई। सर हमारी तकरीबन 1 साल से रिलेशन था और वो मेरी शादी नहीं होने दे रहा था, तो इसलिए हमने प्लान किया। तो पहले हमने उसको शूट किया प्लान के साथ, वो बच गया शूट होने से, के बाद बच गया, फिर हमने उसको हॉस्पिटल में जहर दिया तो उसकी डेथ हो गई। बस सर वो मेरी शादी नहीं होने दे रहा था, हम एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए। सर ये मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये जहर होता है केमिस्ट्री में, मैं सर ICS की है। जिसमें मजरूब बिशारत को 2 जगह पे फायर लगे, जिस पर उसे हमने हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट कर दिया। उस वक्त उसके साथ बवक़्त वकूआ जो है ना उसकी सिस्टर मौजूद थी गली में। तो जब हमने एप्लीकेशन वसूल हुई और मौके पर जाके हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी किसी किस्म का हमें किसी पे कोई शक नहीं है, ये अचानक मैं अंदर कपड़े लेने गई हूँ तो पीछे मैंने देखा तो 2 फायर लगे हुए हैं मेरे भाई को।
जिस पर इसे हॉस्पिटल में पहुँचाया गया वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट जारी था। ये तकरीबन रिकवरी की तरफ आ रहा था लेकिन सडन इसकी डेथ हो जाती है। हम खुद बहुत इस बारे में परेशानी की है, तो अब ठीक हो रहा था, इसकी डेथ कैसे हो गई है। फिर जब हमने इसकी डेथ का सबब जानने की कोशिश की तो उसमें हमें इनके कुछ घरेलू तनाज़ात का शाकसाना नज़र आया, जिसके मुताबिक इसकी मकतूल बशारत की जो बहन थी वो आसमा, वो इसमें मुलव्वस थी। इसका भाई छोटा मुदस्सर, जिसने हॉस्पिटल में इसको नीले थूथे का टीका लगाया, और आसमा का जो बॉयफ्रेंड है इकराम, और साथ उसने अपने एक शूटर जो कि हफ्जाबाद से तल्लक़ रखता है तनवीर उर्फ तीरू, उसको इसने इस्तेमाल किया था। ये जो तनवीर उर्फ तीरू है ये फायर मारने के बाद ये इस्लामाबाद चला गया था। और इसमें जो इसका भाई मुदस्सर है उसको जो इंजेक्शन बना के मुहैया किया वो इसने इकराम ने किया। तो इसको थारोली इस पर तकरीबन एक माह तक हम काफ़ी मेहनत करते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी है कि हमने इन तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। नादिन, ये कत्ल अंधा कत्ल हो जाता, ये कत्ल ज़ाया हो जाता, क्योंकि इसमें मरने वाला भाई, मरवाने वाली, कत्ल करवाने वाली बहन, और उसको जहर का, नीले थोथे का इंजेक्शन लगवाने वाला सगा भाई, ये तीनों ही लोग थे, इनके अंदर ही कत्ल दब जाना था। लेकिन समझा जाए, देखा जाए तो पुलिस ने कमाल होशियारी से, कमाल दानिशमंदी से इस कत्ल को ना सिर्फ हल किया बल्कि इसके तमाम मुहरिकात को सामने लेकर आए। आज तमाम मुलजमान, तमाम मुजरम कानून के कटहरे में हैं और उनका एहतसाब होने वाला है। नाज़रीन, ये जो इश्क है, ये लालच है, ये बड़ी बुरी बला है। हमें ये रिश्तों की तमीज़ बुला देता है। हमने माजी में पढ़ा, हमने सारी तुर्क तारीख देखी, हमने मुग़लों की तारीख देखी, ख़ानदान गुलामा को पढ़ा, सारी जो तारीख है उसमें हमें यही नज़र आता था कि भाई भाई को कत्ल करवा देते हैं, और चलें वो एक बहाना पेश करते थे कि हमने इक़्तदार की खातिर मारा। लेकिन ये कितनी घटिया हरकत है कि आप अपनी दोस्ती की खातर, आपको भाई आपका मना करता है कि आप इस तरह के गलत आदमी से ना मिलें, तो आप एक ऐसे क्रिमिनल से दोस्ती करके शादी करना चाहते हैं कि जो आपके कहने पर जान लेने पर तुलाया है, जो आज आपके भाई की जान ले रहा है वो कल आपकी भी तो जान ले सकता है। फिर सोचने वाली बात यह है कि इस केस के अंदर जो एक मुलज़म है, जो मुदस्सर कम उम्र है, वो कहता है कि उसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ी हुई है, तो केमिस्ट्री में उसने पढ़ा था कि केमिकल का इस्तेमाल क्या था होता है। भाई को कत्ल करने के बाद भी ये मासूम बनने का नाटक कर रहा है। सच्ची बात तो ये है कि हमें भाई बहन भाइयों के नहीं, हर रिश्ते का एहतराम करना चाहिए। जब हम रिश्तों का एहतराम करते हैं तो इस तरह के हादसात से, इस तरह की दरिंदगी से, और इस तरह के जुल्म से बच सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।